हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वांटेड डिलीट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की रियलिस्टिक मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं ओनली स्नैपशॉट टाइप की यूजिंग से और वो भी कुछ स्टेप में। और जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी का यूज होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो का भी कमाल करने वाला है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना स्नैपशॉट ऐप ओपन कर लेंगे। एंड ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो को ऐड करेंगे जिस फोटो का हमें एडिट करना है। एंड ऐड करने के लिए यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड करने के बाद जिस फोटो का हमें एडिट करना है उसको हम चूज़ कर लेंगे। एंड फोटो हमारी स्नैपशॉट के अंदर ओपन हो चुकी है। एंड यहीं पर हम करेंगे फ़ोटो को एडिट। एंड एडिट करने के लिए पहले यहाँ पर जो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। देन नीचे डबल एक्सपोजर वाला जो ऑप्शन है एक बैकग्राउंड चेंज के लिए है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम बैकग्राउंड पे यहाँ पर ले आएंगे। एंड बैकग्राउंड हमारी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। एंड यहाँ से हम इसका अमाउंट फुली कर देंगे। देन यहाँ से डन करेंगे। एंड सिंपली यहाँ पर ऊपर में जो एलो वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर व्यू डिस्प्ले क्लिक कर लेंगे। डबल एक्सपोजर के जाके ब्रश को क्लिक करेंगे। देन इसका कोने में जो इनवर्ट वाला ऑप्शन है इसको हम ऑन कर लेंगे। एंड यहाँ से हम इरेज करेंगे ताकि हमारे मॉडल बाहर आ जाए। एंड बैकग्राउंड रियलिस्टिक मैनिपुलेशन का मतलब यही है। अब इतना जितना अच्छा बैकग्राउंड को इरेज एंड ड्राइंग कर सकते हो उतना ही अच्छा लगता है आपको फोटो के ऊपर, तभी मैचिंग होते हैं। इरेज एंड ड्राइंग आप ठीक ठाक नहीं करते हो तो फोटो में कभी बेकार की लुक आ जाता है। एंड यहीं पर हम कर लेंगे इरेज एंड ड्राइंग, फोटो के साथ ठीक ठाक एडजस्ट करेंगे बैकग्राउंड को। एंड मैं ये सब थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा। एंड ड्रॉ एंड इरेज होने के बाद यहाँ पर फिर से हम बैक आएंगे। सो गाइस, इरेज हमारी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ से कर लेंगे हम डम फोटो को। एंड यहाँ पर राइट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड करने के बाद सिंपली बैक आ जाएंगे। देन यहाँ पर करेंगे हम फोटो के साथ मॉडल के कलर में चेंज। एंड ये करने के लिए जो पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड करने के बाद ऊपर की साइड जो व्हाइट बैलेंस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। देन टेम्परेचर को थोड़ा सा कमाएँगे, 20 अराउंड रखेंगे। एंड टिंट को भी थोड़ा सा कमाएँगे, 27 के अराउंड रखते हैं। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते 21 रखते हैं। एंड यहाँ से कर लेंगे डन। देन यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ वाले। एंड यहाँ पर व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, वर्ड बैलेंस एंड यहाँ पर प्लस को लेंगे। एंड इनवर्ट कर देंगे ओनली फेस एंड स्किन के ऊपर हम इस लाइट को हटा देंगे। एंड ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से सिंपली सिंपल से डन कर लेंगे एंड बैक आ जाएंगे। फिर यहाँ से और भी कलर एडजस्ट करने की ज़रूरत है हमें। फिर से पेंसिल वाला आइकन पर जाएंगे। यहाँ पर कोने में जो विंटेज वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड करने के बाद कॉम्बो 2 पे ही रखेंगे। एंड इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 32 स्टार को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 30 का रखेंगे। लिमिट को थोड़ा सा कम कर देंगे, 60 का रखते हैं। एंड यहाँ से कर देंगे डन। एंड फिर से सेम प्रोसेस है, यहाँ पर जाएंगे एंड व्यू डिस्प्ले क्लिक करेंगे। एंड विंटेज पर जाएंगे, प्लस कर लेंगे एंड इनवर्ट कर देंगे कोने वाले ऑप्शन को क्लिक करके। एंड ओपेसिटी को रखेंगे 0 एंड स्किन एंड फेस के ऊपर से हम इरेज कर देंगे सेम टाइप से। ये भी कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से कर लेंगे डन एंड फिर से बैक आ जाएंगे।
एंड फिर से पेंसिल वाला आइकन पर जाएंगे एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन आ रहा है ये कभी कमाल की ऑप्शन है, ये फिर इसका लाइट बढ़ा देते हैं एंड बैकग्राउंड को डार्क जैसा कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं हमेशा ही सजेस्ट करूँगा कि अभी जब इसने ऐसे यूज़ करें ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन का यूज़ जरूर करें। पोर्ट्रेट पर क्लिक करते हैं एंड फेस पर लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, स्क्रीन स्मूथिंग में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड यहाँ से कर लेंगे डन। ये करने के बाद हमारे हैंड एंड लेग के ऊपर सिक्का भी डार्क वाला इफेक्ट आ गया है एंड ये हम हटा देंगे एंड ये करने के लिए यहाँ पर जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे एंड व्यू लिस्ट पर जाएंगे। चलने के बाद पोर्ट्रेट वाले को यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ कोने वाले ऑप्शन इन्वर्ट कर देंगे एंड इसका ओपेसिटी रखेंगे 0 एंड ओनली हैंड एंड लेग के ऊपर से स्किन के ऊपर से हम इसको हटा देंगे ताकि ये जो डार्कनेस आ गया है ये कट जाए। ओनली हैंड एंड बॉडी के ऊपर से सिंपली डन कर लेंगे एंड फिर से बैक आ जाएंगे एंड और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्किन के ऊपर लाइट थोड़ा कम लग रहा है एंड ये हम बढ़ाने के लिए सिलेक्ट जो ऑप्शन होते हैं स्किन का लाइट बढ़ाता है एंड यहाँ पर जाएंगे एंड फेस का लाइट थोड़ा सा पहले बढ़ा लेते हैं एंड 50 का रखते हैं एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर को भी एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड यहाँ पर हैंड एंड लेग की भी लाइट कम लग रही है। यहाँ पर फिर से प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, करने के बाद फिर से सेंटर को साइज को इतना छोटा कर लेंगे, ओनली इस हैंड के ऊपर से लाइट बढ़ाना है एंड ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड फिर से प्लस वाला आइकन पर जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड की लाइट भी बढ़ा लेते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एंड फिर से प्लस वाला आइकन पर जाएंगे एंड लेग का लाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ से कर लेंगे सिंपली डन एंड फोटो हमारी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई रियलिस्टिक मैनिपुलेशन हो जाए जैसा लग रहा है कि मॉडल पहले से ही कार की फ्रंट में पोज दिया था फोटो खींचने के लिए। बस इतना ही फोटो काम रखेंगे और कुछ ज़्यादा शेयर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आफ्टर बिफोर करके एक बार दिखा देता हूँ फोटो कैसा था और कैसा लग रहा है यह फोटो एंड इस फोटो को ही हम गैलरी में सेव कर लेंगे एंड सेव करने के लिए हमें कोने में जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी।